हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे का और ये गेस्ट अब तक हमारे घर पे जमे हुए हैं सभी। पता नहीं कब निकलेंगे यहाँ से। ये हम हैं जो घर में आते हैं। ये अभी घर जवाई बने हुए हैं फिलहाल। घर जवाई बने हुए हैं, घर जवाई तो है ही। तो फिलहाल पहले ही हम 15-16 जने इकट्ठे हो रहे थे घर में और आज सुबह सुबह ही 4-5 बजे 5 गेस्ट और आ चुके हैं हमारे घर पे। उनसे हम आपको बाद में मिलवाएंगे, फिलहाल सो रहे हैं। वो सफर करके आए हैं पूरी रात का। हमारा घर धर्मशाला बन चुका है। तो मैं फिलहाल बना रही हूँ सबके लिए खाना। सुबह से पानी पीने का भी टाइम नहीं है मेरे को। मैंने बना दिए हैं राजमा और चावल बना दिए हैं मैंने। तो अभी फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखो मेरी थाली खाली, मैंने 2 रोटी नहीं 4 रोटी। 2 रोटी पचा ली। 2 रोटी चली गई है। तो आपने भी तो 4 रोटी खाई है। हमें आप बोल रहे थे 4 रोटी थोड़ी पेट भरा। इतने देखना, इनके दिखाना। देखो कितने कितने चावल खाते हैं ये लोग। ये देखो पूरी थाली भर रखी है। इतनी बड़ी थाली है, उसको भी भर रखा है पूरा। टोक लगा रखा है, टोक सारे इधर भी नहीं किया था। हम नाच चुके हैं, हमने खाना खा लिया है। अब हम मार्केट के लिए निकलेंगे। पजामा कुर्ता लेके आऊंगा, एक सफेद रंग का। वीडियो को अपने लाइक व्यू और शेयर जरूर करें। लाइक व्यू क्या होता है? और इसके ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें। चैनल मोनेटाइज होने में थोड़ी सी बस दूरी रह गई है मोनेटाइज होने के लिए। और आपका सहयोग इसमें अपेक्षित है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 4 और यहाँ पे दीदी रेडी हो रही है मौसी जी के घर जाने के लिए, फंक्शन के लिए। और इनको मेकअप तो करना आता नहीं, खुद करके जाएंगी जुलूस निकाल के और वहाँ जाके बोलेंगी कि शिखा ने तैयार किया मुझे। तो अभी दीदी तो निकल रही है हमसे जल्दी, क्योंकि काम भी होगा वहाँ पे बहुत सारा और हम रेडियो के जाएंगे बाद में। तो मैं तो अभी फिलहाल नहाई भी नहीं हूँ, सुबह से काम कर करके बैंड बज रही है हमारी। अभी उठी हूँ मैं, 1 घंटे के लिए सोई हुई थी। तो अभी मैं नहा के जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। मैं भी क्या कह रही हूँ, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप तू ऐसे ही करती है और कोई ऑर्डर दे? अब ये लगा लिया ना आपने, अब आई मेकअप कर लो। चलो वीडियो शुरू हो गया है और ये शिखा पंडित द्वारा वीडियो किया जा रहा है। पंडित नहीं हूँ मैं, बस हंसने की प्रक्रिया बंद। और शिखा के द्वारा अब ये मोनिका का क्या आईज ब्रो आई मेकअप किया जा रहा है। आई ब्रो के ऊपर मेकअप, नीचे ऊपर सब कुछ ठीक है शिखा के द्वारा। शिखाज एक YouTube चैनल और है, शिखाज किचन। तो ये अब शिखा का कौन सा नया चैनल है उसमें अब कपड़े है, मैंने एक ही चैनल है मेरा। ठीक है करो, हंसने की प्रक्रिया बंद की जाए और मेकअप करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो फाइनली दीदी रेडी हो चुकी है मैरिज के लिए और यहाँ पे इनकी चल रही है फोटोग्राफी। पहली बारी देखा मैंने जीजा जी को दीदी की फोटो लेते हुए। फ्रेंड्स हम सब हो चुके हैं रेडी फंक्शन पे जाने के लिए। एंड दिस इज माय फाइनल लुक एंड दिस इज बाबीज लुक एंड दिस इज मम्मीज लुक एंड दिस इज माय लुक एंड दिस इज माय लुक जीजूज लुक दिस इज माय लुक तो फाइनली हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं मेरी मौसी सास के घर पे फंक्शन के लिए। ये है मेरी मौसी सास और ये है मेरी नानी सास 90 साल की। और इनका ये ड्रेस है बिश्नोइया, प्योर बिश्नोइयों का प्योर बिश्नोई ड्रेस है, प्योर बिश्नोई ड्रेस है पहरावा।
तो ये है मौसी जी के घर के बाहर का व्यू, मुझे बहुत पसंद है ऐसी जगह में रहना, बिल्कुल शांति हो जहाँ पे। और यहाँ पे चल रही है खाने की तैयारी, सैलेड और सब्जियाँ कटी जा रही हैं यहाँ पे। तो अभी ये स्टार्ट हो चुका है मेरी नंदों का डांस, अभी धरती चाहे इधर की उधर हो जाए पर ये डांस बंद नहीं होने वाला, लगातार 2-3 घंटे ऐसे ही डांस करती रहेंगी ये। तो इनका डांस डूंस अभी हो चुका है ख़त्म और यहाँ पे अभी जलवा पूजन की रस्में स्टार्ट होने वाली हैं। तो ये रस्में करने के बाद फिर से घर पे जाएंगे वापस, ये घड़ोली भर के पानी की। तो अभी हम घर पे वापस आ चुके हैं और आज के फंक्शन के मेन सदस्य के साथ फोटो वगैरह करवा लेते हैं और फिर देखते हैं खाना वगैरह खा के घर पे वापस चलेंगे, क्योंकि गर्वित को हम घर पे ही छोड़ के आए थे आज। दादी अभी नहीं आएगी बाबू, दादी 2 घंटे बाद आएगी अभी। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 8 और हम बस अभी घर के लिए निकले हैं जस्ट अभी, क्योंकि वहाँ पे अभी जलवा भोजन का प्रोग्राम तो खत्म हो चुका था, अभी रात को जागरण का रखा हुआ है तो रात को बैठने की हिम्मत तो हमारे में है नहीं। और गर्वित को भी घर पे ही छोड़ के आए थे उसके दादू के पास, तो वो भी तंग कर रहा होगा अभी, तो जरूरी है हमारा जाना क्योंकि जाके मैंने एडिटिंग वगैरह भी करनी है। तो बस हम जा रहे हैं अभी, जाके मिलते हैं आपसे घर पे वापिस। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं रास्ते में गाड़ी को दाना पानी खिलाने के लिए, दाना पानी पेट्रोल भरवाने के लिए। तो अभी गाड़ी को खाना खिला के हम तो पेट भर के खा के आ चुके हैं, अभी गाड़ी को खिलाते हैं और फिर चलते हैं घर के लिए निकलते हैं। चमंडी बोलते चमंडी, उतर गई है सुमन की चट्टी, खाने तू आलू की चट्टी। तो गाइस फाइनली अब हम घर पे पहुंच चुके हैं और 9:30 बज चुके हैं, बस अब थोड़ी सी मैं एडिटिंग करती हूँ मेरी वीडियो की और नाइट सूट वगैरह डालते हैं, हल्के कपड़े डालते हैं कुछ और फिर देखते हैं क्या रहता है आगे, मम्मी होने की वेट करेंगे पहले कब तक आएंगे वो। फ्रेंड्स अभी हम सबसे पहले कर लेते हैं मेकअप रिमूव, और मेकअप रिमूव करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल, क्योंकि ये स्किन के लिए सबसे बढ़िया रहता है, स्किन हेल्दी भी रहती है इससे। और मैं फेस के लिए करता हूँ डिटॉल साबुन यूज, इससे काफ़ी फर्क पड़ा है स्किन ब्राइटनिंग में। हो गया। तो जिसके पास मेकअप रिमूवल कोई लोशन नहीं होता और वैसे भी उनसे बढ़िया रहता है, क्योंकि वो किसी की स्किन पे सूट करते हैं और किसी भी कैप पे नहीं करते, और मेरी स्किन पे तो कोई भी लोशन कोई भी क्रीम सूट नहीं करती, तो मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ क्रीम की जगह भी और मेकअप रिमूवल की जगह भी, और आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो कोकोनट ऑयल से मसाज करने के बाद ड्राई नैपकिन को वेट करके ये मेकअप रिमूव कर लिया मैंने,
और इसके बाद हम रोज वाटर का स्प्रे कर लेंगे फेस पे। इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।